भगवान महावीर की जन्मभूमि नालंदा के कुंडलपुर में बिहार पर्यटन द्वारा कल से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए कुंडलपुर जैन मंदिर के मंत्री विजय कुमार जैन ने बताया कि इस बार कोविड को देखते हुए ज्यादा श्रद्धालुओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कुंडलपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया है, साथ ही साथ बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी इस उत्सव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक बिहार पर्यटन द्वारा देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों को कार्यक्रम में आयोजन के लिए बुलाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए शराबबंदी कानून की सराहना की। तैयारियां पूर्ववत ही हैं, जैसे मंदिर को सजाया जाता है उसी प्रकार से है, लेकिन हमने फिर भी सरकार की कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ही सभी चीज़ों को यहाँ पर किया है। हमने इस बार सारे देश से कम लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि कोरोना के अंतर्गत ही आप इसको समझ करके चलिएगा, थोड़ी दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। और कलाकारों के बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि संध्याकालीन में कला संग्रह केंद्र पटना के द्वारा भगवान महावीर के जीवन से सुंदर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका उनके कलाकारों के द्वारा सजाई जाएगी। और कुमार सत्यम जो मुंबई से गज़ल गायक हैं वो हमारे बीच में होंगे, और इसके साथ ही बॉलीवुड गायन दीक्षातुर जो कि कथक नृत्य में उन्हें विशेष महारत है वो भी इस मंच पर शिरकत करेंगी। स्थानीय कलाकार एवं मुंबई के कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर सजेगी कुंडलपुर की ये संध्या। आप सभी को सादर आमंत्रण है मीडिया के माध्यम से कि आप सभी कार्यक्रम में पहुंच करके भगवान महावीर के उन संदेशों का पालन करें। एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्षरशः भगवान महावीर के संदेशों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कहीं पर कोई दोषी है तो वो शराब है, और शराब मुक्ति का सबसे पहला सराहनीय कदम माननीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है जो भगवान महावीर के संदेशों में प्रमुख है। तो हम तो मानते हैं कि बिहार सरकार भगवान महावीर के संदेशों का पालन कर रही है, उस पथ पर चल रही है, और ये एक उन्नति की ओर एक सराहनीय कदम है। तो आइए हम सब इसमें सम्मिलित होकर के शराब जैसे व्यसन का त्याग करके भगवान महावीर को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करें। बंधुओं जय जिनेंद्र, खूब खूब जोहार सभी लोगों के साथ में, इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।